पलायन झारखंड के लिए नासूर बनता जा रहा है। संथाल का इस इलाका पलायन का बड़ा शिकार है और यहाँ गांव-गांव में बच्चे के जन्म के साथ ही उसके हिस्से का पलायन भी पलने लगता है। पाकुड़ से भी बड़ी तादाद में लोग हर रोज पलायन कर रहे हैं और इनमें महिलाओं की तादाद भी चिंताजनक है। देखिए रिपोर्ट। दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी या फिर बरसात, झारखंड के तमाम रेलवे स्टेशनों पर यह तस्वीर आम है। इसी तरह हर रोज परिवार के परिवार बोरिया बिस्तर बांधकर निकल पड़ते हैं 2 जून की रोटी की तलाश में। पाकुड़ रेलवे स्टेशन की यह तस्वीर झारखंड के पलायन की कहानी का एक पन्ना भर है। पाकुड़ जिले के सुदूर गांव के इन लोगों के पास उनके इलाके में कमाई का कोई और जरिया नहीं है। मजबूरी में ये बंगाल जा रहे हैं, कोई 20 दिन तो कोई 1 महीना धान की कटाई कर लौट आएगा। हम लोग बंगाल जा रहे हैं धान काटने के लिए, इसीलिए हम लोग का माता यहाँ झारखंड में काम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे। कुछ दिन, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए जा रहे हैं बंगाल, ज़्यादा काम नहीं है, 20-25 दिन काम होगा, इसीलिए तो हम लोग लौट के आ जाएंगे। अभी तो बहुत देरी है, 1 जून इसीलिए तो बहुत बाकी, 40 दिन बाकी है, अभी 50 दिन बाकी। गांव में जिंदगी इतनी आसान भी नहीं है। गांव में ना मुकम्मल सड़क है, ना नल के पानी का इंतजाम, कुएं सूख गए हैं, जंगल के झरने का पानी जीने का सहारा है। लेकिन उन तमाम तकलीफों से कहीं बड़ी तकलीफ पेट की आग बुझाने की है, इसलिए गांव छोड़ना पड़ रहा है। गांव में बहुत समस्या है, फिर रोड भी नहीं बना है, पानी सब के लिए बहुत समस्या है, बहुत बड़ा दिक्कत है। अभी तो कुआं सब हम लोग के तरफ है, तो कुआं में भी पानी खत्म हो गया, तो कहीं कहीं मतलब झरना से लेके आ रहे हैं बहुत दूर से, चापाकल सब कुछ नहीं है। पलायन की समस्या इतनी भयावक हो गई है कि अब बड़ी तादाद में महिलाएं भी बाहर जाने वाली भीड़ का हिस्सा हो गई है। सबसे दुखद पहलू ये है कि इनमें ज्यादा तादाद उस आदिवासी बिरादरी का है जिसके नाम पर झारखंड बनाने की दुहाई दी जाती है। सरकार की पॉलिसी और योजनाओं में आदिवासी का जिक्र हजारों बार होता है, लेकिन जमीन पर उसका 10वां हिस्सा भी नहीं पहुंचता, लिहाजा पलायन का जख्म और नासूर होता जा रहा है। TV45 के लिए पाकुड़ से सुबल यदुवंशी की रिपोर्ट।